तो आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस का एनालिसिस। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्यों? और दोस्तों मैं इसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा, मैंने कंप्यूटर ग्रामीण अर्थव्यवस्था रिलेटेड और एनालिसिस से रिलेटेड बहुत से वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी प्रॉब्लम है सुझाव देना तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश करें। तो पहले तो मैं दोस्तों भारमल दयामा जी जो कि नीमत से हैं, जुजारू सिंह चंद्रावत जी जो कि नीमत से हैं, हेमंत कश्यप जी जो कि चचौदा से हैं, इसी के साथ साथ सुधीर जी जो कि इंदौर से हैं, देवेंद्र जी जो कि ग्वालियर से हैं, विशाल सिवरे जी जो कि ग्वालियर से हैं, इन्होंने बहुत से क्वेश्चंस की आज मुझे मात्रा बताई है। इनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों इसी के साथ साथ सुनील कुमार प्रजापति जी जो कि अशोकनगर से हैं, इन्होंने भी मुझे परसों की शिफ्ट के मैथ के बहुत से क्वेश्चन बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रदीप बघेल जी और कुलदीप जी, प्रदीप बघेल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि ग्वालियर से हैं और कुलदीप जी भी ग्वालियर से हैं, इन्होंने भी अभी अभी मुझे क्वेश्चंस की मात्रा बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, यानी क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका की गुफा किस जिले में है, तो ये किस में हो जाएगी दोस्तों, रायसेन में हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, किस विटामिन में धातु पाई जाती है, यानी विटामिन B12 यानी कोबाल्ट में धातु पाई जाती है जहाँ तक मुझे मिला है। नेक्स्ट दोस्तों, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस में नहीं दिया जाता है, यानी ऑप्शन थे इनमें से किस में नहीं दिया जाता है, तो मैं दोस्तों ये ऑप्शन बता रहा हूँ जिन जिन में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, रूपंकर कला में दिया जाता है, रंगकर्म में दिया जाता है और शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 यानी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, कटनी जिला किसका हिस्सा था, तो कटनी जिला दोस्तों किसका हिस्सा था, जबलपुर का था और ये अलग कब हुआ था, 1998 में अलग हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश में उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री कौन बने, तो बाबूलाल गौर जी बने थे और बाबूलाल गौर जी के बाद कौन बने, अपने शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट दोस्तों, आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोटी काली सिंध आगर मालवा में बहती है। नेक्स्ट दोस्तों, किस महिला खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता था, तो किसने जीता था दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। दोस्तों आप ये देखिए, प्रत्येक शिफ्ट में आप ज़्यादातर क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जितने भी ये ओलंपिक से रिलेटेड हैं उन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है, 29 है। नेक्स्ट दोस्तों, छतरपुर में घनेश्वर मंदिर या फिर धनेश्वर या धनेश्य मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ये कहां पर है। नेक्स्ट दोस्तों, मालगुड़ी डेज के लेखक का नाम पूछा था, तो इनके लेखक का नाम क्या हो जाएगा, आर के नारायण जी हो जाएगा। और आर के नारायण जी से रिलेटेड जितनी भी इनने बुक्स लिखी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, नौसेना को सितंबर 2017 में कौन सी पहली भारतीय निर्मित पनडुब्बी सौंपी गई, तो ये कौन सी, कलावरी सौंपी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, जलीकट्टू खेल संबंधित है, या फिर क्वेश्चन ये था कि जलीकट्टू कहाँ का खेल है, तो जलीकट्टू कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु का हो जाएगा। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, विजयनगर में हो जाएगा, गुना के विजयनगर में। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों आप ये देखिए, दिवस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है उनको आप जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रोफेसर सी वी रमन जी ने सन 1928 में कोलकाता में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। रमन जी की यह खोज 28 फरवरी 1930 को प्रकाश में आई थी, इस कारण 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन था, कौन सी बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है, तो ये दोस्तों आराम से ऑप्शन के अनुसार हो जाता,
नेक्स्ट, राष्ट्रपति अधिकतम अध्यादेश कितने महीने के लिए लगा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कितने, 6 महीनों के लिए लगा सकते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, सबसे पहला द्वीप जिला कौन सा है, तो ये सबसे पहला द्वीप जिला कौन सा है दोस्तों, माजुली हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ एक क्वेश्चन आया था कृषक बीमा योजना के कार्य से रिलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन आया था मनरेगा संबंधी कोई जानकारी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा अधिनियम था, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, रॉलेट एक्ट 1919 यानी 1919। नेक्स्ट दोस्तों, ग्राम पंचायत के जो रुपए वगैरह खत्म हो जाएं इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, गांवों के रिकॉर्ड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों देखिए पंचायती राज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन कौन सी बैंक हो ही चुका है एक दोस्तों, ये क्वेश्चन था पियाली जलाशय, या फिर ये मैं कन्फ्यूजन हूँ, यहाँ पे पियाली की जगह और भी कुछ जलाशय हो सकता है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा गणित के क्वेश्चंस की। तो गणित में पहला क्वेश्चन बहुत आसान आया था, तो √20 + √5 यानी इसका आंसर निकालना था और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक सिंप्लीफिकेशन का भी बहुत आसान क्वेश्चन आया, जैसे 23 की पावर 729 ऐसा कुछ था, और ऑप्शन में भी ऐसा कुछ था अपॉन में, तो ये आराम से कट के किसी भी तरह हो जाता। नेक्स्ट दोस्तों, एक क्वेश्चन ये था a² + b² 45 दे दिया था, a + b 9 दिया था, और a - b क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आप ये कीजिए, जैसे a + b 9 दे रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों a² + b² का अपन को मान पता है, तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और +2ab ये रहेगा और बराबर में 81 रहेगा। तो अब 81 में से दोस्तों 81 में से अपन 45 घटा देंगे तो 2ab का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2ab का मान आ जाएगा 36 आ जाएगा। हाँ दोस्तों 2ab का मान क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अभी दोस्तों 2ab का ही मान रखने दीजिए। अब देखिए a - b, तो दोस्तों अपन एक काम करते हैं, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab होता है। तो देखिए दोस्तों a² + b² का अपन को मान दिया है 45, -2ab का अपन को मान दिया है 36, तो 45 में से 36 अपन माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी a - b का होल स्क्वायर का दोस्तों मान क्या आया, 9 आया, तो a - b का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, 11 से विभाज्य संख्या यानी ऑप्शन में 11 से जो भी विभाज्य संख्या थी वो इस अनुसार ये ऑप्शन हो जाता। दोस्तों इसी के साथ साथ मेरे को जो पेज भेजा गया था जिसमें क्वेश्चन लिखे थे वो स्पष्ट तो नहीं था, फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस चीज़ से रिलेटेड आए थे। जैसे एक तो कोई मतलब कार्य से रिलेटेड आया था, कोई व्यक्ति एक काम को इतने दिन में करता है, दूसरा इतना दिन में करता है, तो इस अनुसार टोटल काम पूछा था, या फिर इस अनुसार ये एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था, जैसे किसी संख्या के अंश से मैं जोड़ा जाए, या उसके अंश में ऐसा जोड़ा जाए, ऐसा जोड़ा जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। एक दोस्तों स्पीड से यानी दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था व विकर्ण दिया था, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क से 1 आया, स्पीड से 1 से 2 आए, एज से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर में दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन आया था SMTP का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी आया था, तो अब आप देखिए जितने भी ये फुल फॉर्म हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, आप उनको तो ज़रूर पढ़िए, इसी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से जो फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट दोस्तों, WWW का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था एमएस वर्ड में कॉलम और एंड रो से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा था पेस्ट करने की शॉर्टकट की पूछी थी, तो Ctrl+V हो जाएगा। एक ये पूछा था कौन सी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाने के लिए अपन क्या करते हैं, URL डालते हैं, यानी URL के द्वारा पहुँचते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये था इनमें से कंप्यूटर को हानि नहीं पहुँचाते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन में वायरस वगैरह थे, तो वायरस वगैरह तो ये हानि पहुँचाते हैं, तो ये ऑप्शन के अनुसार आराम से हो था। एक क्वेश्चन दोस्तों था इंटरनेट ब्राउजर से रिलेटेड, यानी कौन इंटरनेट ब्राउजर है, तो ऑप्शन में इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं URL के द्वारा,
इनमें से कौन परिवर्तनशील है? तो एक क्वेश्चन ये था परिवर्तनशील से रिलेटेड, इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट के करंट स्टेटस से जानने के लिए इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी में। हिंदी में दोस्तों बात करें तो सामान्य हिंदी में सृष्टि का विलोम पूछा था, तामिक या इससे रिलेटेड एक कुछ एक था वर्ड, इसमें इसका विलोम पूछा था जिसको किसी चीज से भय ना हो, एक ये था। नदी का पर्यायवाची पूछा था, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण पूछे थे। इसी के साथ साथ छंद का उदाहरण, विभक्त रस का उदाहरण, गुलर का फूल तोड़ना, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट दोस्तों व्याकरण में क्या सम्मिलित है, इस विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा था। पीताम्बर में समास पूछा था। इसी के साथ साथ संधि विच्छेद से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया था। और अपन बात करें उल्लास यानी दुआ या उल्लास से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों सामान्य हिंदी की बात करें कोई ज़्यादा टफ नहीं आई थी, कंप्यूटर आदि की शिफ्ट में बहुत आसान आया, और इसी के साथ साथ मैथ भी इजी ही आया था। थोड़ा कठिन अपन कह सकते हैं आज की शिफ्ट में भी जीके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। दोस्तों का देखा जाए तो आज की शिफ्ट में मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन मतलब जो पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं पर इजी था, क्योंकि आज नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम सुझाव देना तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और नए मेहमानों से विनती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।